दोस्तों, आज हम कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में जानेंगे। काफ़ी फेमस इंडियन जो पूर्व भारतीय सेना अधिकारी थे, जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो देखते हैं उनका जीवन परिचय। विक्रम बत्रा परमवीर चक्र से सम्मानित पूर्व भारतीय अधिकारी, काफ़ी फेमस है। इनकी बातें करते हुए एक जोश आ जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा 9 सितंबर 1974 से 7 जुलाई 1999 तक वो रहे हमारे बीच। भारतीय सेना के एक अधिकारी थे, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीर गति प्राप्त की। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र सर्वोच्च सम्मान होता है ये, और ये उनकी तस्वीर है कैप्टन विक्रम बत्रा की, बहुत ही ज़्यादा फेमस तस्वीर है। इसको एक तरीके से हमें हर भारतीय को अपने घर में लगाना चाहिए इसको। आगे देखते हैं। उपनाम इनका था लव और शेरशाह। लव इनका बचपन का नाम दिया गया था, शेरशाह भी था। इनका जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर हिमाचल प्रदेश भारत में हुआ था। देहांत इनका हुआ था 7 जुलाई 1999 को 24 वर्ष की आयु में, मतलब एक नौजवान ने 24 वर्ष की आयु में अपने आप को देश में कुर्बान कर दिया। कारगिल जम्मू कश्मीर भारत में, कारगिल का शेर भी कहा जाता है इनको। इनकी निष्ठा भारत के प्रति थी। सेवा और शाखा भारतीय थल सेना से थे ये। सेवा वर्ष इनका 1997 से 1999 तक, मतलब मात्र 2 वर्ष की, 2 वर्ष इन्होंने मात्र जॉब की। उपाधि इनकी थी कैप्टन की, कैप्टन के 3 स्टार्स होते हैं। आगे देखते हैं। सेवा संख्या इनकी थी IC57556। दस्ता इनका था 13वीं जम्मू और कश्मीर राइफल्स। युद्ध और झड़पें थी कारगिल युद्ध, ऑपरेशन विजय में ये शामिल थे। सम्मान इनका था परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारतीय इतिहास में बहुत कम जनों को मिला है, उनमें से एक ये थे। जीवन परिचय देखते हैं, प्रारंभिक जीवन। पालमपुर निवासी जी एल बत्रा और कमलकांता बत्रा के घर 9 सितंबर 1974 को 2 बेटियों के बाद 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। माता कमलकांता की श्री रामचरित मानस में गृह श्रद्धा थी। उन्होंने दोनों का नाम लव और कुश रखा। लव यानी कि विक्रम, कुश यानी कि विशाल। पहले DAV स्कूल सेंट्रल स्कूल पालमपुर में दाखिल करवाया। सेना छावनी में स्कूल होने से सेना के अनुशासन को देख पिता से देश प्रेम की कहानियां सुनने पर विक्रम ने स्कूल के समय में ही देश प्रेम प्रबल हो गया था। स्कूल में विक्रम शिक्षा के क्षेत्र में ही अव्वल नहीं थे, बल्कि टेबल टेनिस अव्वल दर्जे के खिलाड़ी होने के साथ साथ उनमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का भी जज्बा था। जमा 2 तक पढ़ाई करने के बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए और DAV कॉलेज चंडीगढ़ में विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई शुरू कर दी। इस दौरान वह NCC के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए। उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लिया। उन्होंने सेना में जाने का पूरा मन बना लिया और CDS संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी। हालांकि विक्रम को इस दौरान हांगकांग में मर्चेंट नेवी की नौकरी भी मिल रही थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। मतलब मर्चेंट नेवी की नौकरी को उन्होंने ठुकरा के उन्होंने ये वाली नौकरी चुनी, देश सेवा की। विज्ञान विषय में स्नातक करने के बाद विक्रम का चयन CDS के जरिए सेना में हो गया। जुलाई 1996 में उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। दिसंबर 1997 में प्रशिक्षण के समाप्त होने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सपोर नामक स्थान पर सेना की 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्ति मिली। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई प्रशिक्षण भी लिए। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी ने कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्प और रॉकी नाप स्थानों पर जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। अब जो ये 5140 जो पीक है, उसकी जीत की कहानी देखते हैं। 5140 इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े। बिना शत्रु की भनक लगे हुए उनकी मार्ग दूरी के भीतर तक पहुंच गए और कैप्टन बत्रा ने अपने दोस्तों दस्ते का पुनर्गठित किया और उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर सीधे आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निर्दयता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने की गुथम गुथा लड़ाई में उनमें से 4 को मार डाला। और बेहद दुर्गम क्षेत्र में होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी पर अपने कब्जे में ले लिया। विक्रम बत्रा ने इस चोटी से रेडियो के जरिए अपने विजय उद्घोष ये दिल मांगे मोर उनका एक मतलब विजय घोष ही था, बहुत बड़ा कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नाम शहनशाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर भी की भी संज्ञा दे दी गई। पहले दिन चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा ने उनकी टीम ने फोटो मीडिया में आ गई। ये भी बहुत गौरवान्वित पल होता है कि भाई भारतीय सैनिकों ने उस चोटी को जीत लिया। अब एक और चोटी जीतनी थी 4875, ये भी देख लेते। 4875 वाली संकरी चोटी पर जीत। इसके बाद सेना की चोटी 4875 को भी कब्जे में लेने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया और इसके लिए भी कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी दी गई। उन्हें और उनकी टुकड़ी में ऐसी संकरी चोटी से दुश्मन के सफाई का कार्य सौंपा गया जिसके दोनों ओर खड़ी ढलान थी और जिसके एकमात्र रास्ते पर शत्रु ने भारी संख्या में नाकाबंदी की हुई थी। कार्रवाई को शीघ्र पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा एक संकीर्ण पठार के पास शत्रु ठिकानों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। आक्रमण का नेतृत्व करते हुए आमने सामने के भीषण गुतम गुता लड़ाई में अत्यंत निकट से 5 शत्रुओं को मार गिराया और इस कार्रवाई के दौरान उन्हें गंभीर जख्म लग गए। गंभीर जख्म लग जाने के बावजूद वे रेंगते हुए शत्रु की ओर बढ़े और ग्रेनेड फेंके जिससे उस स्थान पर शत्रु का सफाया हो गया। सबसे आगे रहकर उन्होंने अपने साथी जवानों को एकत्र करके आक्रमण के लिए
प्रेरित किया और दुश्मन की भारी गोलाबारी के सम्मुख एक लगभग असंभव सैन्य कार्य को पूरा करके दिया है। उन्होंने जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों के साथ, जिनमें लेफ्टिनेंट अनुज नैयर भी शामिल थे, कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा, किंतु जख्मों के कारण वे यह अवसर वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके इस असाधारण नेतृत्व से प्रेरित होकर साथी जवान प्रतिशोध लेने के लिए शत्रु पर टूट पड़े और शत्रु का सफाया करते हुए पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार उन्होंने 4875 पर कब्जा कर लिया। कैप्टन बत्रा के पिता जेएल बत्रा कहते हैं कि उनके बेटे को कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी ने विक्रम को शेर शाह के उपनाम से नवाजा। या तो बर्फीली चोटी में तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसी तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, पर आऊंगा जरूर। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बत्रा ने 13वीं जो जम्मू कश्मीर राइफल है उसके अंदर ये बोला था। आगे देखते हैं सम्मान उनका। इस प्रकार कैप्टन विक्रम बत्रा ने शत्रु के सम्मुख अत्यंत उत्कृष्ट युद्ध व्यक्तिगत वीरता का उच्चतम कोटि का नेतृत्व प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना में सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अदम्य साहस और पराक्रम के लिए विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया और 7 जुलाई 1999 को प्रभावी हुआ। लोकप्रिय संस्कृति में देखते हैं 2003 में हिंदी फिल्म एलओसी कारगिल में पूरे कारगिल संघर्ष पर आधारित अभिषेक बच्चन ने कैप्टन बत्रा की भूमिका निभाई थी और 2021 में फिल्म शहंशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने विष्णुवर्धन द्वारा निर्देशित धर्मा प्रोडक्शंस एंड पैन इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित एक बायोपिक में बत्रा की भूमिका निभाई थी। इस प्रकार कैप्टन बत्रा के बारे में हमारा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।